किसान भाइयों ने गणो गणो राम राम सा। किसान भाइयों, आज का वीडियो में आप बात कर रहा पूसा तेजस गेहूँ की उन्नत किस्म की विशेषताओं के बारे में। साथियों, पूसा तेजस वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश HI 8663 और HI 8498 के मध्य क्रॉस करा करके विकसित की गई वैरायटी हैं। साथियों, पूसा तेजस 2017 में विकसित की गई गेहूँ की उन्नत किस्म है। साथियों, इसको दूसरा नाम HI 8759 के नाम से भी जाना जावा है। अर्थात साथियों, पूसा तेजस गेहूँ की एक अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्म है। साथियों, काटिया गेहूँ की यह किस्म समय पर बुआई के लिए और सिंचित तथा उच्च उर्वरता वाले खेतों के लिए अनुशंसित की गई हैं। साथियों, इस किस्म की अगर हम औसत उपज की बात करें तो लगभग 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं पूसा तेजस। साथियों, अगर हम पूसा तेजस के 1000 दानों का वजन करें तो लगभग 50 से 55 ग्राम तक देखने में मिलता है। किसान भाइयों, पूसा तेजस के पौधों के अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर की लगभग देखने में मिलती हैं। किसान भाइयों, पूसा तेजस में बालियां बुआई के लगभग 70 से 80 दिन बाद शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, पूसा तेजस की अगर हम परिपक्वता की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। साथियों, इस किस्म के दानों में 12% प्रोटीन, लोहा तत्व और जिंक की मात्रा अधिक पाई जाती हैं। इस कारण यह वैरायटी चपाती और पास्ता बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी हैं। साथियों, पूसा तेजस का तना मोटा और मजबूत होता है तथा मध्यम हाइट होने के कारण ये इसके पौधे आड़े तिरछे नहीं गिरते हैं। किसान भाइयों, पूसा तेजस में रोगों और कीटों के प्रति अवरोधी गुण प्रकट करती हैं। अर्थात साथियों, इसमें रोगों और कीटों का प्रकोप देखने में नहीं मिलता है। वहीं साथियों, पूसा तेजस में अगर हम फुटान की बात करें तो फुटान बहुत ही अच्छी होती हैं और साथियों, प्रत्येक पौधे से लगभग 12 से 15 फुटान देखने में मिलती हैं। इसकी बालियां लंबी और सुनहरी रंग की होती हैं। दाना मध्यम आकार का, मोटा और चमकीला आकर्षक होता है। किसान भाइयों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।